ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 8 सीरीज ऑफ सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ओके, जैसा आप बेसिकली जानते हो, हम लोगों ने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का सीरीज स्टार्ट किया था और हम लोग बेसिकली लेटर ए से जितने भी वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेवेंट वर्ड, ऐसा नहीं कि वर्ड को फिनिश कर दिया गया, वर्ड तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट आप बोल सकते हो, लेकिन जो कि प्रोमिनेंटली यूज होने वाला वर्ड है ना, लेटर ए से हम लोगों ने उनको कवर कर लिया था डे 7 तक। उसके बाद हम लोगों ने सारे वर्ड्स का रिकैपिचुलेशन भी किया, ठीक है, सारे वर्ड्स को एक ही क्लास में कवर की, आप लोगों ने साथ साथ बोला भी, ठीक है। तो उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग अब लेटर बी से वर्ड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 7-8 वर्ड तक डे तक ये भी चलेगा। चलिए चलिए, तो फर्स्ट वर्ड आपके पास बी का है बैरन, क्या लिखा हुआ सर, एक बार बोलोगे सब लोग, बैरन, ठीक है। तो बैरन की बात करें तो सबसे पहले ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझे, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है, एडजेक्टिव। बोले बैरन होता क्या, तो बैरन लैंड, लैंड आप लोग जानते हो बंजर जमीन, ठीक है, जहां पे फसल नहीं ग्रो कर पाता, ठीक है ना, ऐसे लैंड को हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से आप समझोगे, लिखा गया एक लाइन में, क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया अबाउट 6% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बैरन लैंड। 6-7% अप्रॉक्स इंडिया में जितने भी ज्योग्राफिकल लैंड का एरिया है वो सब 6-7% बैरन लैंड के कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो जमीन कोई काम का नहीं, वहां पे फसल ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो बैरन का मतलब आप लोग बेसिकली समझ गए, जो चीज क्या होगी, अनप्रोडक्टिव होगी, क्या होगी, ऐसी लैंड जो क्या होगी, अनप्रोडक्टिव होगी, सिंपल वर्ड बोल सकते हो कि नहीं, आप बोल सकते हो कि नहीं, एरिड, क्या बोल सकते हो, एरिड, ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, डेजर्ट, डेजर्ट भी बेसिकली आप बोलते हो, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, तो कहीं ना कहीं वहां पे फसल थोड़ी ना होता, वहां पे आप क्रॉप थोड़ी ना ग्रो करते हो, ठीक है, वो कुछ कुछ प्लांट्स खुद हो जाता है, वो अलग बात है। चलिए, तो बैरन का मतलब क्या हुआ सर, अनप्रोडक्टिव, एरिड, डेजर्ट, एक वर्ड यूज होता है स्टेराइल, ठीक है ना। ऐसे ये इसका यूज देखें तो ये ह्यूमन बींग्स या यू नो एनिमल्स के लिए भी होता है, जो कि बेसिकली ठीक है चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है ना, बेसिकली वो ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्टेराइल, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स क्या होता है कि वो माँ नहीं बन सकती कोई लेडी, ठीक है, ऐसा कभी होना किसी के साथ, लेकिन यू नो ऐसे को बोलते हैं हम लोग स्टेराइल। चलिए, तो ये चीज आप लोग समझ गए, तो बैरन के लिए कौन कौन सा वर्ड बोलोगे आप लोग, अनप्रोडक्टिव, एरिड, डेजर्ट एंड स्टेराइल, ठीक है ना, जो कि अनप्रोडक्टिव होता। तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा सर, अगर अपोजिट लिखने की बात आएगी तो आप लोग बोलोगे कि नहीं प्रोडक्टिव, ठीक है ना, फर्टाइल, फर्टाइल लैंड आप लोग पढ़े हो कि नहीं, फर्टाइल लैंड एंड बैरन लैंड, ठीक है ना। चलिए, तो ये वर्ड आप लोग समझ गए, बैरन का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड है, ज्योग्राफी का वर्ड है, साइंस में भी यूज होता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है बैफल, क्या लिखा हुआ है, बैफल, तो बताओ ये वर्ड ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या हुआ। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो भी प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया उन्हें ये लॉजिक पता चल गया होगा बेसिकली कि वर्ड के लास्ट में अगर ई लगा हुआ है ना तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो 100% क्या होगा, रेगुलर वर्ब होगा, बैफल, बैफल्ड, बैफल्ड, ठीक है ना। अब इस बैफल का मतलब होता क्या है, ठीक है, तो बैफल का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड होना किसी चीज से, शॉक्ड हो जाना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपके पास लिखा गया है कि ही इज इलनेस बैफल्ड द डॉक्टर। अब क्या होता है बेसिकली कि एक इंसान को ऐसी बीमारी हो जाती है, ऐसी डिजीज हो जाती है कि कोई भी डॉक्टर देखता तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है, बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हो जाता कि ऐसा तो डिजीज मैंने आज तक लाइफ में कभी देखा ही नहीं, कभी इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ये कैसी बीमारी है। तो डॉक्टर भी क्या हो गए सर, बैफल्ड हो गए, बैफल्ड मतलब शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गए ऐसी बीमारी को देखकर। एक और एग्जांपल आपने न्यूज में कभी यू नो 2-3 साल 4-5 साल पहले सुना होगा बेसिकली, है ना, कि एक जो है एयरफोर्स की जो प्लेन थी वो रडार के बेसिकली कॉन्टेक्ट से गायब होने के बाद वो कहां चला गया एटमॉस्फेयर में, आज तक उसका कोई पता ही नहीं चला। इसको बेसिकली बोलते हो कि अगर ब्लास्ट होने के बाद जमीन पे भी उसका जो है ना जो शेष भाग होता है वो गिरना चाहिए था, लेकिन वो भी कहीं पे नहीं मिला, ऐसा आप लोग सुने थे न्यूज में, ठीक है ना। तो ये जो न्यूज है बेसिकली क्या करने वाली है लोगों को, लोगों को सरप्राइज कर देगी, नहीं कि सॉल्व कर देगी ना, कि चलो रडार के कॉन्टेक्ट से तो गायब हुआ, कम से कम धरती पे आना तो चाहिए था उसे गिर कर, ठीक है, लेकिन उसका कोई भी शेष हमें पता ही नहीं चला कहां चला गया। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग थे सब लोग इससे कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। तो लिखा गया द डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मींस गायब हो जाना ऑफ द एयरफोर्स प्लेन has baffled everyone in India. India की ही कहानी है कि जो एयरप्लेन जो है गायब हो गया था तो वो सारे लोग क्या हो गए, baffled हो गए। तो baffled के लिए आप लोग कौन सा वर्ड बोलोगे सर, सरप्राइज, सिंपल वर्ड क्या बोला गया, सरप्राइज, और क्या बोलोगे, शॉक,
ठीक है ना, वर्ब है, इस वजह से आपको वर्ब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोल सकते हो सर? बिविल्डर, क्या बोलोगे? बिविल्डर। और क्या बोल सकते हो? एस्टोनिश, क्या बोला गया? एस्टोनिश, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं? एक आध वर्ड है तो देख लिया जाए बेसिकली, ठीक है ना। और बोल सकते हो कंफ्यूज, सिंपल वर्ड है ना, कंफ्यूज हो गए लोग, ठीक है ना। और क्या हो गए? पजल हो गए, ठीक है, क्लियर। तो ये वर्ड आप लोग समझ गए, बैफल का मतलब बेसिकली क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के पास है क्या? डिजार, क्या है सर? डिजार। तो बिजार का मीनिंग अगर समझे, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझे, तो ये वर्ड अपने आप में होता है एक नाउन है, ठीक है। अब बिजार का मीनिंग समझे तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेंज, आउटलैंडिश, एलियन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप एक एनिमल को देखोगे, उसकी तीन तीन आंखें हो, ठीक है ना, थ्री आईज, ठीक है ना, एन एनिमल विथ थ्री आईज, तो बताओ थोड़ा अजीब लगेगा कि नहीं आपको देखने में, ठीक है। एक ऐसा क्रिएचर आपके सामने आ जाए जिसका हाफ बॉडी इंसानों का हो और नीचे सांप का हो, ठीक है। एक ऐसा क्रिएचर जिसका इतना हाफ बॉडी क्या हो, इंसानों का, और नीचे सांप का पूछ लगा हुआ, तो वो भी क्या है? बहुत ही बिजार होगा वो पिक, बिल्कुल ही एलियन टाइप होगा। क्या बोलेंगे सर उसे हम लोग? एलियन, ठीक है ना। आप इसे बोल सकते हो आउटलैंडिश, क्या बोल सकते हो? आउटलैंडिश, ठीक है ना, बिल्कुल ही ऑस्ट्रेंज, ठीक है। चलिए और कोई वर्ड है तो देख लिया जाए बेसिकली, ऑस्ट्रेंज। और बोल सकते हो एबनॉर्मल, एक वर्ड, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं है वो, क्या बोला गया? एबनॉर्मल। और एक वर्ड बोल सकते हो पेक्यूलियर, कौन सा वर्ड सर? पेक्यूलियर, ठीक है। और एक वर्ड बियर्ड, कौन सा वर्ड? बियर्ड। और एक वर्ड क्या बोलते हैं? क्यूर, ठीक है ना। और अपोजिट में क्या लिख सकते हो? नॉर्मल बेसिकली, ठीक है ना। और इसके अपोजिट में अगर देखा जाए ना, तो आप लिख सकते हो बेसिकली नॉर्मल कुछ आएगा नहीं, ठीक है, चलेगा ऐसे ही, ऐसा कुछ रहेगा तो सर्च करके आपको, है ना, रिटन फॉर्म में मिल जाएगा नीचे। चलिए तो यहाँ तक बेसिकली आपको बताया गया कि सिनोनिम्स तो बहुत सारा वर्ड का तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जितना भी वर्ड लिखा हुआ है वो सबका सब सिस्टमेटिकली आपको माइंड में रहे, ठीक है ना। बीच बीच में आप कहीं कहीं कोई वर्ड भूल जाते हो, तो हमें भी देख रहे हो कभी कभी दो तीन वर्ड देखना पड़ता है वो चीज, ठीक है। तो आपको बोलना बोला जाएगा कि एक वर्ड दिखा गया आपको, उसका स्टार्टिंग से बोलते जाओ जितना भी, 10 सिनोनिम है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक दो वर्ड तो आप मिस कर ही दोगे, ठीक है ना। अगर आप बैठ के क्रैमिंग नहीं करते हो, तो रट नहीं रहे हो बैठ के, है ना, तो रटना नहीं होता, चीजों को समझना होता है, ठीक है। एक बार अगर आपके आंखों से गो थ्रू हो गया है, तो आपके रीडिंग टाइम में, ठीक है ना, वाइल रीडिंग अगर कुछ कहीं कोई भी वर्ड आता है, तो आप उसके मीनिंग को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए तो एक बार सब हम लोग रिवाइज करते हैं, बोलिएगा सब लोग, बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? जो कि बंजर जमीन होती है, अनप्रोडक्टिव होती है, उसके लिए आप लोग ये वर्ड का यूज करते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में देखे होंगे ये वर्ड, है ना, तो बैरन के लिए कौन सा वर्ड बोलोगे सब लोग? अनप्रोडक्टिव, एरिड, डेजर्ट, अस्टेराइल। और अस्टेराइल का यूज आप लोग समझे किस सेंस में यूज होता है, और दूसरा हो गया प्रोडक्टिव या फर्टाइल। चलिए चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सर, बैफल। कौन सा वर्ड है? बैफल। तो बैफल का मतलब समझ गया, टू बी सरप्राइज, टू बी कंफ्यूज, पजल्ड, है ना। तो वर्ब के फॉर्म में, तो वर्ब के फॉर्म में सरप्राइज, शॉक, बिविल्डर, एस्टोनिश, कंफ्यूज, पजल, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया? सरप्राइज करने के सेंस में, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास बिजार लिखा गया, तो बिजार आप लोग समझ गए, थोड़ा सा एलियन, आउटलैंडिश, बिल्कुल ही अलग, एबनॉर्मल अगर कोई क्रिएचर आपके सामने आ जाता है, जो चीजें इमेजिन नहीं किया जा सकता, जो कि इमेजिनरी है सिर्फ, ठीक है ना, इमेजिनरी है सिर्फ, वर्ब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन रियलिटी में अगर वो सामने आपके आ जाए, ठीक है, तो वो कैसा पिक्चर है? बिजार। आप क्या बोलोगे? एलियन। एलियन आप लोग देखे हो कभी? हम लोग कंसिडर करते हैं ना कि ऐसा होता होगा, ठीक है ना। एलियन, आउटलैंडिश, जो इस धरती का नहीं है, कहीं और का, आउटलैंडिश, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, पेक्यूलियर, बोलोगे अच्छा वर्ड है पेक्यूलियर, बियर्ड एंड क्यूर, ठीक है, ये सब हम लोग बिजार के लिए यूज करते हैं। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्मल, जो कि है ना, जो कि हम लोग होता है। एग्जाम्पल्स आप लोग समझ गए, 6% लैंड के है सर, बैरन है 6-7%, ठीक है। चलिए ओके, तो आपका जो भी आज क्लास में किया गया, जो भी वर्ड्स, जो भी छूट गया होगा बेसिकली, तो आपको रिटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना, आप उससे अपना नोट्स बनाओगे। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू।